वहाँ पे खड़े रह के यहाँ का नजारा देखते थे, आज यहाँ पे खड़े रह के वहाँ का नजारा देखेंगे। हे गाइस, सलाम नमस्ते, गेम चो, कैसे गए? आज 20 जनवरी मेरी मम्मी का बर्थडे। आपको एक बात पता है, मैंने मेरे फोटोशूट वाले ब्लॉग में एक बात कही थी जो उस जगह पे खड़े कहकर कही थी कि एक दिन गेटवे पे आया था मैं मम्मी, तब मैं छोटा था, तब मम्मी ने एक बात कही थी उधर से, मतलब इधर ना एक आदमी खड़ा था कोई होटल की खिड़की में, वो आदमी को देखे मैं मम्मी को पूछ रहा था कि मम्मी वो आदमी उधर खड़ा है वो अपने को देख रहा होगा ना, तो फिर मम्मी ने इसे ऐसा कहा था कि आज वो हमको देख रहा है ना, तो कल ऐसा आएगा कि हम ऊपर से नीचे देखेंगे, जैसे हम आज नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा ऊपर से नीचे हम लोग देखेंगे। भगवान का शुक्र थी और मेरी मेहनत थी तो वो टाइम आ गया। एंड आज मैंने ऐसा सोचा था कि मैं मम्मी को इधर सरप्राइज दूंगा ताज में। आज मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज हुई, आज मैं इधर बहुत लेट पहुंचा क्योंकि मैं गया था चंडीगढ़ मेरा कुछ काम के लिए, उसकी वजह से मुझे बहुत टाइम चला गया। मम्मी और दीदी इधर एक घंटे पहले आ चुके थे, तो वो लोग को पता नहीं था कि चेक इन कैसे करना है, तो फिर भी वो लोग ने चेक इन कर लिया एंड वो लोग रूम में आ गए तुरंत। मैं उसके बाद आया, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, बट इससे आगे मम्मी के लिए और एक सरप्राइज है, तो उसके लिए आप भी रेडी रहना एंड मम्मी तू भी रेडी रहना, वेटिंग फॉर नेक्स्ट सरप्राइज। वो सब छोड़, तुझे कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खुले आंखों से सपना देखा था लेकिन मेरा वो सच हो गया। मैं, मम्मी, दीदी तैयार होंगे, फिर नीता भी आने वाली है, मैंने सबको इनवाइट किया है, और मेरे जो दो फ्रेंड्स हैं मयूरिया चिंटिया, तो ये लोग को मैं नहीं ला पाया क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा शेड्यूल है, क्योंकि यहाँ से मम्मी वो लोग जाएंगे पूना और मैं जाऊँगा किसी और जगह, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना, वो भी आपके लिए एक सरप्राइज है, वो ब्लॉग में भी बहुत मजा आने वाला है। तो तब तक लिए हम ये मम्मा का ब्लॉग इंजॉय करते हैं। और स्पेशल क्या चलो वहाँ पे खड़े रह के यहाँ का नजारा देखते थे, आज यहाँ पे खड़े रह के वहाँ का नजारा देखेंगे। अभी हम लोग तैयार होंगे एंड मैंने नीता की मम्मी और सबको बुलाया है, और मयूरा चिंडा को नहीं बुला पाया, तो मुझे बहुत मतलब बहुत ख़राब फील हो रहा है कि वो लोगों में मैंने बोला भी था बट कैसा हो जाता वो लोग के इधर से जाने के, मतलब बहुत ये हो जाते लगते, बट एनी वे कोई नहीं, मिस यू ब्रो मयूरेश आदित्य। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से आने के बाद हम लोग बहुत सारी पार्टी करेंगे और मज़े करेंगे। अभी हम तीनों होंगे तैयार, देन हम लोग मिलते हैं उसके बाद। तो हम लोग सब अभी रेडी हो गए एंड जा रहे हैं मम्मी को सरप्राइज देने, तो सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं बाहर। तो हम लोग अभी है कहाँ पे, हम लोग यॉट पे और ये रोहित के मम्मी का आज है बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आंटी। पर आंटी का लड़का कुछ आज ब्लॉग ही नहीं बना, तो रोहित ने आज उसके मम्मी के लिए ये सरप्राइज रखा है। और ताज में रखे कैसे लगा? अच्छा लगा। दो तीन ब्लॉगिंग करो थोड़ा, अब थोड़ा ब्लॉगिंग करो प्लीज। हम लोग सब आए यहाँ पे, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, रोहित जिंजर के की बहन, रोहिणी जिंजर के दिख नहीं रही है। चलो अभी हम लोग केक कटिंग करते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा एक्चुअली लाइट कम है, इसलिए हम लोग ना यहाँ पे टॉर्च से काम चला रहे हैं। कोई नहीं है, रोहित का कैमरा ही ऐसा है। कोई नहीं, पर जितना हो सके हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। चलो ब्लॉग मेन है, ब्लॉग कुटे
नहीं, हम लोग एक छोटी बोट से आए और ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। कैसा लगा सबको? कसा वाटला? खूब खूब मजा लिया मला। किसी को मजा आना है, मुझे तो आती है, मैंने तो डांस भी किया कुछ। एक्चुअली आज का दिन और ये मतलब जैसा मैंने सोचा था, क्या पता अच्छा लगा कि नहीं किसी को, बट मैंने ट्राई किया अच्छा देने का। कोई नहीं, अच्छा लगा, पब्लिक को तो अच्छा ही लगा है। मैं सांगते एक्चुअली आज हम लोग का प्लान ऐसा था कि हम लोग ना सुबह, जैसे हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी थी जैसे रोहित ने बताया होगा, और फिर यहाँ पे 6 से हम लोग 8 आने वाले थे, पर रोहित ने शायद टाइम चेंज किया, बट हमें अंधेरे में जाना पड़ा, बट कुछ दिखा नहीं, पर हम लोग सुकून, मतलब यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग ही थे, हमारे अलावा कोई नहीं था, तो ये सुकून हमें बहुत कम मिलता है, तो मजा आया। तो ये स्माइल कैसी है? दीदी की तबीयत भी थोड़ी वीक थी, तो इसलिए दीदी इसकी तबीयत बेचारी की ठीक नहीं है, ट्रैवलिंग करके, ट्रैवलिंग के वजह से थोड़ा, क्योंकि उसको आदत नहीं है, बट कोई नहीं, वो भी सीख जाएगी, इसको भी पहले ऐसे ही होता था, पहले ऐसे ही होता था, पर ये पब्लिक के साथ रह रहे के सीख गया है। यू कंटिन्यू, हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा सही में। मेरे बच्चे ने बहुत बड़ी सरप्राइज दी। Riva, what are you saying? Oh, from Saturday. Okay. चौपाटी में गोला खाने, क्योंकि सर रात को तो मैं 12 बजे मम्मी के साथ नहीं था, बट आज मैं 12 बजे तक मम्मी के साथ रहूँगा एंड सेलिब्रेट करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग होटल, फिर मॉर्निंग में उठना है जल्दी, किसी ने हमको कल घर पे बुलाया है। किसी ने ही है, किसी ने हमको घर पे बुलाया है कल, ये लोग कल मेरे घर पे आएंगे, क्योंकि ये लोग ने हमारा बहुत खाया, तो आज हम इनका खाएंगे। मौशी बरेरा तो सब लोग अभी इधर गोला खाएंगे। क्या कौन सा मंगाया? हाय रिबा, हाँ इतने करून दाखो सांता कुत्ता तुम्ही, चला उभा रहो उभा रहो उभा रहो उभा रहो, इथं जा इथं इथं इथं, हां इथं का इथं इथं, चला चला सांता कुत्ता तुम्ही, तोडा कुत्ता कुत्ता, ए वाव। शर्ट और पहन लो, 50 लाख का शर्ट पहना है मैंने। तो कल हम लोग थोड़ा लेट घर पे आए और मैं मतलब थक गया था, मैं 3-4 दिन लगातार सोया नहीं था, तो मैं घर पे आके मतलब घर पे नहीं सॉरी होटल आके तुरंत सो गया, तो ब्लॉग एंड करने का टाइम भी नहीं मिला, तो अभी ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को शेयर तो मत करना, बट देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें से एक सीख मिलती है कि मेहनत करोगे तो जो तुमने सोचा है वो पाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये ताज गया और ये सब दिखा रहा है, बट ये गाइस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो बात कल मेरी मम्मी ने कही थी आज मैंने सच करके दिखाई, तो बस यही बताना चाहता हूँ, जो आपने सोचा है ना, मन लगा के मेहनत करोगे तो वो चीज़ होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की है, तो बस ये बात मेरे आप ध्यान में रखना, एंड यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो
ब्लॉग को कमेंट सेक्शन में प्यार देना, अपनी फीलिंग्स बताना कमेंट सेक्शन में। बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।